देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 3,163 लोग कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब तक 39,174 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं महानगरों में COVID-19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला बिल्कुल नहीं थम रहा और इसी कड़ी में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1 लाख के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। 3,163 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लॉकडाउन 4.0 कल से शुरू हो चुका है। कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बिल्कुल बड़ी हैं। बिल्कुल मनीषा, चुनौतियां अभी बिल्कुल बरकरार है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है और राज्य सरकारें अपनी जो गाइडलाइंस जारी कर रही है, उनमें इस बात का विशेष ख्याल रखें कि मास्क, ग्लव्स, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है, तमाम रियायतें जो दी जा रही हैं, तमाम जो छूट दी जा रही है, उसमें इन चीजों का सख्ती से पालन हो। चाहे वो बस चलाने की बात की जा रही है या प्राइवेट ऑफिस, निजी हॉस्पिटल में जिस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है पेशेंट्स का, लैब्स जिस तरीके से छूट दी गई है कोरोना के टेस्ट की, वो तमाम जो जगह है वहां पर लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का और जिस तरीके से प्रिकॉशंस की बात की जा रही है, वो सभी चीजों का ख्याल रखना होगा। क्योंकि अब जो है जिस तरीके से पीक टाइम की बात की जा रही थी, तो बावजूद इसके लॉकडाउन जारी है लेकिन कुछ राज्यों ने छूट दे दी है, इसलिए इनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जी मनीषा जी, प्रीत किरण, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना की चपेट में लोग आ चुके हैं।